बैज रो 47 किलोमीटर, महल चोरी 46, उफरेखाल 13, मूंगी दाल 5, महल चोरी से हमने आओ पहाड़ों पर। ये वो एहसास है जो न भुला पाओगे जिंदगी भर, ये वो एहसास है न भुला पाओगे जिंदगी भर। अभी हम पहुंच गए हैं, देघाट से निकल चुके हैं नागचुला खाल। नागचुला खाल यहां से 32 किलोमीटर है, मूंगीदा 70 किलोमीटर, जगतपुरी 13। हमारा प्लान आज नागचुला गैरसैंण, उसके बाद महल चोरी देखते हुए चकोटिया मासी होते हैं माल। और इधर घूमने जगह क्या क्या है? यहाँ से हाँ जगतपुरी है, जगतपुरी। तो ये जगह का नाम क्या है? समैया। और जो जो बांगीधार आते हैं वो कहाँ से आते हैं? बांगीधार जो यहाँ बांगीधार गाँव है वो कहाँ, दिल्ली से कहाँ से आते हैं? वो सरायखेत। अच्छा, वो रास्ते सही पड़ेगा ना? वो तो ये रोड, ये हाईवे नहीं है? ये अभी बनने वाली है। तो ये हाईवे आगे कहाँ तक जाएगी? तो कैसे तब शटर पड़ेगा? अभी हम अभी कैसे तो जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? हाँ हमने आज नागचुला खाल भी जाना है देखने के लिए। तो नागचुला खाल से गैर से जाए कि पहले यहाँ जगतपुरी जाए? पहले तो आपको नागचुला मिलेगा। हाँ नागचुला, तब मिलेगा मेलचोरी गैर से। अच्छी, अच्छा, पहले नागचुला फिर मेलचोरी फिर गैर से। और फिर हम वहाँ से वापस आए तो हम जब मैंने जाए तो सड़क कैसे रास्ता है उधर से? नहीं तो आप वहाँ से चौकते हो तो आई छोटी, वो रास्ता सही है। हाँ उधर से वो शॉर्टकट लेके कच्ची रोड हो ऊपर खाल तो है? ना ना कच्ची तो नहीं है, थोड़ी सी इधर 5-6 किलोमीटर है, बाकी तो पक्की है। जो ऊपर से आएंगे सड़क से उधर से कोई शॉर्टकट हो होते हुए सर, रोटेल होते हुए तो अगर रास्ते वापस आए तो रास्ते वो सीधे शॉर्टकट पड़ेगा। मतलब जैसे आपको घर से वापस इधर आने की जरूरत नहीं है, वहाँ से आप चौकटे निकल जाइए। वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। हाँ सड़क वाले भी पक्की रोड है? पक्की रोड है, शॉर्टकट पड़ेगा। लखनकोट से तो बहुत ही बढ़िया है रोड है लखनकोट से। हाँ देखो शॉर्टकट, ये कुछ शॉर्टकट पड़ेगा, वो शॉर्टकट पड़ेगा, वो शॉर्टकट पड़ेगा ना आपको फिर। अच्छा शॉर्टकट पड़ेगा जी सर। तो हम आते समय कहाँ से आए थे? हम गैस से वापस आए, गैरसैंण से वापस आओगे तो आप जगतपुरी आएंगे? जगतपुरी आएंगे। हाँ ठीक है, जगतपुरी से। जगतपुरी का पक्की रोड है? हाँ उफरेखाल, उफरेखाल, उफरेखाल से सरायखेत, सरायखेत, सरायखेत से आप डोटियाल, डोटियाल से मान लो ग्राम समैया, समैया और ब्लॉक, ब्लॉक थलीसैंण और डिस्ट्रिक्ट तहसील थलीसैंण सर, और डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल में आता है। तो ये देघाट तो उसमें आता है अल्मोड़ा में? हाँ तो हमारी श्रद्धा है यहाँ पौड़ी तक। अच्छा अच्छा, जंगल तक है। तो ये गाँव समैया है? ये पौड़ी का लास्ट गाँव है, लास्ट गाँव है। और थलीसैंण यहाँ से बहुत दूर पड़ेगा? 65 किलोमीटर बैठे थलीसैंण। हाँ हमें थलीसैंण जाना है, हमने कहा थलीसैंण तो हम थलीसैंण सांकेत से जाएं, फिर थलीसैंण जाना है। पहुंच गए हैं अभी हम कौन से गांव, समैया गांव पौड़ी ब्लॉक थलीसैंण है। और इससे जस्ट 10 किलोमीटर नीचे देघाट है, 9 किलोमीटर नीचे देघाट है और अल्मोड़ा है, उसके साथ में अभी हम पौड़ी के लास्ट गाँव, पौड़ी के लास्ट गाँव गए। और कुमाऊँ यहाँ से मिलते हैं ना, यहाँ ले जाएंगे नागचुला खाल, उसके बाद जगतपुरी, पहले जगतपुरी, फिर नागचुला खाल, फिर महल चोरी, फिर गैस है, फिर गैस है, फिर शाम को गांव जाएंगे। ये वो पथरीले रास्ते हैं जो हमें जिंदगी में संभल कर चलना सिखाते हैं, कि चार धाम खुद में समेटे ये धरती, हमारे पुरखों की मिट्टी है यहाँ, माँ की ममता की सच्ची परिभाषा किसी फौजी की चिट्ठी है यहाँ, कि पीते बुराश का शरबत घी का त्योहार है यहाँ, कुमाऊनी गढ़वाली जौनसारी कई संस्कृतियों का प्यार यहाँ, बुलाते हैं हेमकुंड साहेब चले आओ पहाड़ों पर। ये वो एहसास है जो न भुला पाओगे जिंदगी भर, ये वो एहसास है न भुला पाओगे जिंदगी भर।
रोड अच्छे है, बॉडी मिलर रोड घटिया रोड है। अभी पहुँच जाते हैं थोड़ी ज्यादा था, कैसा पहुँच जाते अभी बीस रुपये जाए नहीं जाए, सेकंड गियर से ऊपर जाने जाए। अच्छी रोड है, टूटी फूटी है ये। बैंज रो 47 किलोमीटर, महल चोरी 46, उफरेखाल 13, बूंगीधर 5। महल चोरी से हमने महल चोरी चले मिलते महल चोरी में। यहाँ काफल के दाने हैं, नेगी जी और गोपाल बाबू के गाने हैं, कि घुगती की पुकार जुगनुओं के तराने हैं, कि खेतों में हल लगाते दाजू हरी का द्वार, यहाँ देवताओं के थान प्रकृति के खिस्सों की बहार, यहाँ कि बोतल का पानी नहीं हमें तो आज भी धारों का ठंड पानी सुहाता है। चले आओ पहाड़ों पर ये पहाड़ी तुमको बुलाता है, चले आओ पहाड़ों पर ये पहाड़ी तुमको बुलाता है। चौथान आगमन में आपका स्वागत है, और सामने वहाँ जगतपुरी थी, जगतपुरी से आए थे हम देघाट होते हुए, देघाट से शालदे, शालदे से समैया, समय से पौड़ी का लास्ट गांव था, और उसके बाद हम ये घूमते फिरते पर्वत के शंखाओं होते हुए और पगडंडी होते हुए वो सामने वो वहाँ पीठसैन है। अच्छा वो पीठसैन है। हाँ जी वो पीठसैन है। हाँ हाँ जहाँ वो टावर है, टावर है। नहीं ये टावर नहीं, वो वाला, वो वाला दिख रहा है, जो एक टावर तो यहाँ सामने दिख रहा है, ये तो कांडा ही है, कांडा कांडा ही वो पीरसेन। हाँ उससे वो थोड़ा और ऊपर ही है। ये यहाँ से रास्ता है सरायखेत से भी आता है। कहाँ से? सरायखेत से। सरायखेत से, सरायखेत से वो ऊपर वाला रास्ता आ रहा है। हाँ वो याद है सरायखेत से। ना 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 ये इधर से आ रहा है, रामनगर वाली साइड से। हाँ मतलब सरायखेत से ये ऊपर है, ऊपर रास्ता ये ना ना ये नहीं, और इसी के ऊपर से जो वो उधर स्कूल नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, स्कूल वो सड़क जा रही है ऊपर, और ये नीचे आ रही है सड़क। तो हमने अभी हम जाना कैसे हैं, तो हम साइकिल होकर जाना हमने मान लिया, तो हमारे रास्ते ये शॉर्टकट रहेगा, देघाट से पड़ेगा, चौकोटी से शॉर्टकट पड़ेगा। नहीं पहले तो आपको कहाँ जाना है? गैरसैंड के लिए तो यही सही है, वापिस भी आना है इसी से। मान लिया, मान लिया, मान लिया। नाम सुन सांकेत, सांकेत से मान लिया तो 29 किलोमीटर है वो, उसका नहीं पता सर। ये नहीं, देखो वहाँ नागचूला से एक रास्ता उसके लिए आता है नीचे बेजरो के लिए। अच्छा नागचूला से आगे आप जाओगे यहाँ से, यहाँ से नागचूला होगा कम से कम 15 किलोमीटर। अच्छा 15-20 किलोमीटर होगा, तो वहाँ से एक रास्ता नीचे बेजरो के लिए भी है। अच्छा हाँ एक रोड है। इस साइड पड़ता है। हाँ तो वहाँ से ना, अच्छा, ना, वो सीधे इस पहाड़ के नीचे है, उधर है। अच्छा वो हम बेजरो जा रहे तो इधर नहीं आके उधर से चले जाए, उधर से आप आ जाओगे तो ये शॉर्टकट बच जाएगा ना हमारा। चोरी खाल के उस पार है वो, तो पीठ सैंड से आपको थली सैंड जाना पड़ेगा, चोरी खाल से चौबट्टा खाल आएगा, लेकिन वो अभी तक गई नहीं। अभी नहीं, अभी कच्ची है वो। बाइक से तो जा सकते हो, थोड़ा कितने आधा किलोमीटर, मतलब मान लो 500 मीटर की चढ़ाई मिलेगी बस। अभी हम पहुंच के बूंगीधार मार्केट में, बूंगीधार मार्केट जिला पौड़ी गढ़वाल, यहाँ स्टेट बैंक के सामने। क्या धूप खिली है और सामने पहाड़ी व्यू है। अब यहाँ पहुंच गए बूंगीधार मार्केट में, चाय पानी पी लिया, अब चलते हैं नौ कुछ खाल, वहां से गैर से गैर।
अभी हम रिक्साल पहुंच गए हैं पौड़ी गढ़वाल में। यहाँ से 15 किलोमीटर दूर नवगुच्छा खाल है। नवगुच्छा खाल से महलचोरी, महलचोरी से होते हम चले जाएंगे आज गैरसैंण। सामने जो नीचे रोड दिखाई दे रही है घाटी में, उसी ना वो सामने, वो देघाट से होते हुए हम जगतपुरी, जगतपुरी से हम यहाँ भूंगीधार, भूंगीधार से हम उस रोड से आते हुए यहाँ पहुँच गए। ये यहाँ पर है रिक्खा। उस पहाड़ी के टॉप में वहाँ पीठासैंण है, पीठासैंण से ऊपर जगतपुरी, जगतपुरी से ऊपर 12 किलोमीटर ऊपर दिखाई देगा आपका बिनसर महादेव मंदिर, लेकिन वहाँ बहुत दूर है रास्ते, तो वो टॉप भी दिखाई देगा। तो उस टॉप में है बिनसर महादेव मंदिर, वो सब है जगतपुरी, पीठासैंण। ये नीचे जो रोड दिखाई दे रही है, जो सामने दिखाई दे रही है वो रोड इधर आ गई भूंगीधार, भूंगीधार से हम ये खाल आ गए यहाँ से नौकुचिया खाल। चले अब दिखाते हैं अगला ब्लॉग।